वेलकम। आज हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नेम है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो लेट्स मूव ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, नन ऑफ दीज। फिजिकल पार्ट्स का मीन्स होता है कि जिस कंप्यूटर के जिस पार्ट को हम टच कर सकें और फील कर सकें उसको बोलते हैं फिजिकल पार्ट। और हार्डवेयर की भी यही डेफिनेशन, अ पार्ट्स विच कैन वी टच और फील दैट इज नोन एज हार्डवेयर। तो क्या हुआ, हार्डवेयर इसका आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस आर देयर, 3, 2, 1, 4। तो कितने टाइप्स के यूजर इंटरफेस हैं, देयर इज टू टाइप्स। कितने टाइप्स, टू टाइप्स। फर्स्ट इज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं आपके वो कैसे हैं, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि उनके बीच में क्या हो, ग्राफिक्स की फॉर्म में सारी चीज़ें हो। जैसे विंडोज, हम जो भी चीज़ हमें ओपन करनी है, फोल्डर ओपन करना है तो उसकी भी क्या है, ग्राफिकल इमेज है। फाइल ओपन करनी तो उसकी भी क्या है, ग्राफिकल इमेज है। नेक्स्ट है CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और दूसरा है CLIC का नाम, कमांड लाइन इंटरफेस। Which of the following is an example of CUI based OS, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो CUI पे वर्क करता है, Windows 7, Windows XP, MS DOS और none of these। तो कौन सा है, MS DOS। Windows के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे क्या है, GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो DOS कैसा है, CUI। Which of the following is an a computer hardware, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर है, RAM, keyboard, MS Paint और monitor। Which of the following is not a computer hardware, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, सॉरी। तो कौन सा नहीं है, MS Paint, क्योंकि MS Paint क्या है, सॉफ्टवेयर है। डैश एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, कंप्यूटर और यूजर के बीच में कौन सी चीज इनमें से इंटरफेस का वर्क करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Excel, इम्प्रेस और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि कंप्यूटर किसके थ्रू चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, यानी हमारे बीच में और कंप्यूटर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम किसका वर्क करता है, ब्रिज भी बोल सकते हैं और इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट्स वर्किंग एज सून एज वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर, रैम, रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दीज। देखो दोनों जो सबसे पहले रैम और रोम दिए दोनों हार्डवेयर हैं, जबकि उसने फर्स्ट वर्ड ही बोला है सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जब भी हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जब स्टार्ट होना शुरू होता है वो, तो क्या यूज होता है उसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज। नेक्स्ट, ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कॉमन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर है फर्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, फर्स्ट मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों की तीनों जो उसने दी है, तीनों क्या है, ऑल आउटपुट डिवाइस, तो ऑल ऑफ द अबव। हार्डवेयर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन विदाउट, यानी जो आपका हार्डवेयर है वो किसके बिना फंक्शन वर्क नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर और नन ऑफ दीस। तो किसके बिना वर्क नहीं करता, सॉफ्टवेयर के बिना, क्योंकि आपका जब कंप्यूटर है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज यूजलेस, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर। यानी अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उसका यूज नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आपके पास कोई व्हीकल है तो अगर आपके उसमें पेट्रोल नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू यूज इट, तो दैट इज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल iOS, एंड्रॉयड, बोथ A&B और नन ऑफ दीज। बोथ A&B इज द आंसर, क्योंकि एप्पल के फोन में एप्पल iOS यूज होता है और दूसरी कंपनी जैसे सैमसंग, वीवो, ओप्पो, वो किसका यूज करती है, एंड्रॉयड का। नेक्स्ट, BIOS स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टमैटिक, नन ऑफ दिस। दैट इज फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इम्प्लीमेंट मल्टी टास्किंग ट्रूली, यानी इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो एक साथ एक से ज्यादा वर्क नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं मल्टी टास्किंग, विंडोज 98, विंडोज NT, विंडोज XP और MS
डोज, मैंने आपको एमएस डोज बताया था अभी पहले, वो क्या है CUI, तो हम इसमें कमांड के थ्रू वर्क करते हैं, तो एक टाइम में एक ही वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर, स्पीकर, माउस, नन ऑफ दीज। तो माउस क्या है, इनपुट डिवाइस। अ डैश इज अ डिवाइस यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट, नंबर एंड द कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर, यानी इनमें से कौन सी डिवाइस है जो किसके लिए यूज होती है, टेक्स्ट टाइप करने के लिए, नंबर के और कमांड्स के लिए, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, नन ऑफ दीज। देखो तीनों की तीनों क्या है, एज अ इनपुट डिवाइस है, लेकिन इनमें से कीबोर्ड जो यूज होती है, जो उसने क्वेश्चन पूछा उसमें, तो कौन सी यूज होती है, कीबोर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम ग्रुप, उसने पूछा प्रोग्राम ग्रुप कौन सा, इनमें से वर्ड, एसेसरीज, पेंट, ऑल ऑफ द अबव, तो कौन सा है, एसेसरीज है, जो पूरे प्रोग्राम का ग्रुप है। देखो ये एसेसरीज पे आप क्लिक करोगे तो नीचे सारे जितने भी इसके नीचे हैं, ये इसके क्या है, इसके ग्रुप के अंडर है, क्लियर, यानी ये सब कहाँ है, एसेसरीज के अंदर है। विच इज नॉट नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, जनरली दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स ऑल दो सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू ऑपरेट द फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की फंक्शनलिटी को मेंटेन करने के लिए। ऑप्शन विंडोज एनटी, पेज मेकर, नॉट पैड और फोटोशॉप, जो नीचे के तीनों उसने दिए हुए वो क्या है, स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो इसका आंसर है विंडोज एनटी। नेक्स्ट, द डैश प्रोग्राम कंप्रेस द लार्ज फाइल इनटू अ स्मॉल फाइल, यानी इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो लार्ज फाइल को छोटी फाइल, यानी कि एक छोटी फाइल बना देता है, विनजिप, विनश्रिंक, विनस्टाइल, नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर है विनजिप। और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे सेवनजिप और विनरार, क्लियर। नेक्स्ट, बैक स्पेस की इज यूज टू रिमूव द टाइप टेक्स्ट ऑन द साइड ऑफ द कर्सर, यानी कि जो बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो कौन से साइड का कैरेक्टर आपके कर्सर का रिमूव होता है, लेफ्ट, राइट, बोथ एंड नन ऑफ दीज, क्लियर। तो जब हम बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो आपके कर्सर की लेफ्ट साइड वाला कैरेक्टर डिलीट हो जाता है, यानी रिमूव हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट, डिलीट की इज यूज टू रिमूव टाइप टेक्स्ट ऑन द डैश स्लाइड ऑफ द कर्सर, यानी जब हम पहले बैक स्पेस वाला था, अब क्या है डिलीट वाला, डिलीट की प्रेस करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट, राइट, बोथ एंड बी एंड नन ऑफ दीज, तो अब होता है राइट वाला कैरेक्टर डिलीट, कौन सा होता है, राइट वाला, क्लियर। विंडोज डिस्प्लेस अ वेरियस ऑप्शंस टू शट डाउन विच इज सुटेबल एट द एंड ऑफ द डे, यानी जब हम विंडो को शट डाउन करने के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जब हम अपना वर्क आज का खत्म कर चुके हैं, यानी कि हम किसी भी टाइम, हम उसके बाद वो आज सिस्टम ओपन नहीं करना है या आफ्टर लॉन्ग टाइम उसे ओपन करना है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना चाहिए, शट डाउन, रिस्टार्ट, स्लीप, हाइबरनेट, तो हमें क्या करना चाहिए, शट डाउन ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। अनवांटेड मेल्स आर कॉल्ड, यानी जो अनवांटेड मेल्स से आपकी उन्हें क्या बोलते हैं, अ स्पैम, SPM, स्पैम एंड स्पैम, तो दैट इज कॉल्ड स्पैम, सी ऑप्शन। व्हाट हैपन्स इफ यू प्लग इन अ मोबाइल, लैपटॉप इवन आफ्टर 100% चार्जिंग, डिवाइस विल ब्रेक, डिवाइस विल स्टॉप वर्किंग, डिवाइस विल ओवरहीटेड, नन ऑफ दीज, तो क्या होगा, आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, ओवरहीटेड हो। व्हाट शॉर्टकट की डू यू यूज टू कॉपी समथिंग, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड, तो दैट इज कंट्रोल प्लस सी, क्योंकि एक्स होता है कट करने के लिए, वाई होता है रीडू के लिए और जेड होता है अंडू के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट अ फाइल, सी आपको बताया था कॉपी के लिए, पी होता है कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, और वी होता है कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, और एक्स पीछे आपने अभी सुनाई था, दैट इज फॉर कट, तो कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ अ टेम्परेरी फाइल्स इज .tmp, .exe, .bmp और .xls, तो इसका आंसर है .tmp। प्रेस दैट ऑन द कीबोर्ड टू ओपन अ रन डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल ऑल्ट प्लस आर और विंडोज बटन प्लस आर, नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर है विंडोज बटन प्लस आर, जो आपके रन डायलॉग बॉक्स को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। नेक्स्ट,
अ डिवाइस दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन यूजर डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स, यानी यूजर ने डिफाइंस किए सिक्योरिटी के रूल्स के किसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक को कंट्रोल या मेंटेन करना है. क्लियर? तो पहला फायरवॉल, मालवेयर, एंटीवायरस और नन ऑफ दीज, दैट इज फायरवॉल. फायरवॉल इज अ डैश सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और नन ऑफ दीज, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी. तो कौन सा ऑप्शन हुआ? सी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. डैश आर स्मॉल फाइल्स विच आर स्टोर्ड ऑन अ यूजर कंप्यूटर व्हेन अ यूजर विजिट अ वेबसाइट ऑन इंटरनेट और रिकॉर्ड योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन. यानी कि जब आप नेट पे कोई वेबसाइट विजिट करते हो या फिर किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में को सेव कर देता है. इमेज, कुकीज, फायरवॉल, लॉगिन. जैसे जब आप लॉगिन करते हो तो क्या होता है, यानी कि जब आपने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया और आप लॉगिन किया आपने, तो आपसे पूछता है कि आपको ये पासवर्ड्स परमानेंटली सेव करना है. अगर आपने यस कर दिया तो वो कुकीज में सेव हो जाता है. तो इसका आंसर क्या है? कुकीज है. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी फाइल. इससे पहले भी एक्सटेंशन पूछा था टेम्पररी फाइल का. क्लियर? तो वो आपने सुना है तो ध्यान, यहां आपसे क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर कर भी सकते हो. तो flower.jpg, hello.doc, temporary.txt और सबसे लास्ट web.tmt. तो सबसे लास्ट वाले आंसर है आपका TMP for temporary file. Virus is an acronym for, यानी किसकी शॉर्ट फॉर्म है? Vital Information Resource under SIS, Vital Information Resource under SIS, Vital Information Remark under SIS, Vital Informative Resource under SIS. तो सबसे पहले आंसर है Vital Information Resource under SIS. Next, a computer virus can be infected only, यानी किसे इन्फेक्ट कर सकता है? Hardware, software, both and be none of these. तो सिर्फ किसको करेगा इन्फेक्ट? Software को. Next, a computer can get infect with virus by, यानी किस कौन से वायरस इन्फेक्ट, किस टाइप से इन्फेक्ट होगा? Infected file, yes, जो infected file होंगी वो दूसरों को इन्फेक्ट कर देंगे. Infected pen drive, या sure, infected pen drive से. Infected file attached of an email, yes, अभी बोलते हैं आपको किसी unknown person की या फिर किसी भी जिसको आप जानते नहीं हो तो उसकी ईमेल आईडी आपको, यानी कि ईमेल्स जो आपके पास रिसीव है उसे ओपन नहीं करना चाहिए. तो दैट इज ऑल ऑफ द अबाउ. व्हेन क्लीनिंग अ कंपोनेंट एंड और द कंप्यूटर शुड, व्हाट शुड यू डू बिफोर यू क्लीनिंग इट, यानी कि आपको कंप्यूटर या कंप्यूटर के कंपोनेंट को क्लीन करने से पहले क्या करना चाहिए? लीव इट इन स्टैंड बाय अलोन, नो. Leave the computer running while you are cleaning. नहीं, आपको कंप्यूटर चलते भी नहीं छोड़ना है. Turn the computer on then clean it. नहीं, अगर वो बंद है वो कह रहा है कि ऑन करो. No. Turn it off from the power switch. हाँ, yeah, sure. आपको उसका पावर क्या करना है? स्विच ऑफ कर देना है. Next, dash software help us to clean up the unnecessary files. यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर है इसमें से जो हमें अपने कंप्यूटर की अननेसेसरी फाइल्स को क्लीन करने के लिए यूज होते हैं? डाटा क्लीनर, डिस्क क्लीनर, क्लीनर और नन ऑफ दीज. तो बी ऑप्शन, डिस्क क्लीनर. देखो कहाँ आएगा ये, जब हमने अभी एसेसरीज ओपन की थी तो उसके अंदर सिस्टम टूल्स है, सिस्टम टूल के अंदर यहाँ पे होता है डिस्क क्लीनर. क्लियर? डैश इज यूज टू प्रोटेक्ट और कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, यानी इनमें से कौन सी चीज है जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करती है? वॉर्म्स, एंटी स्पेवर, एंटी वायरस और नन ऑफ दीज. ओके, एंटी वायरस. बैकिंग अप डाटा मीन्स टू सेव द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन योर कंप्यूटर ऑन अनदर डिवाइस, यानी जो आपके कंप्यूटर में डाटा है उसे क्या आप किसी और डिवाइस पे स्टोर करें? मे बी वो पेन ड्राइव हो सकता है आपकी, मे बी CD, DVD, कुछ भी. तो दैट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ट्रू, आइदर ट्रू और नॉट फॉल्स. तो आंसर है दैट इज ट्रू. द CPU हैज एन टू कीप इट कूल, यानी कि आपके पास क्या है जो CPU को क्या करता है? कूल करता है. इंटरनल फैन, एक्सटर्नल फैन, कूलिंग पाइप, नन ऑफ दीज, दैट इज इंटरनल फैन. डैश, अ डैश इज अ डिवाइस दैट यू कैन यूज टू रिमूव, टू मूव, सेलेक्ट एंड ओपन आइटम ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, यानी इनमें से कौन सी डिवाइस है जो क्या करती है? मूव करने के लिए यूज होती है, सेलेक्ट करने के लिए और ओपन करने के लिए.
माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, नन ऑफ दीज। तो कौन सी डिवाइस है? माउस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स, विंडोज, यूनिक्स, जावा। तो जावा क्या है? एक आपकी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसलिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट, विच ओएस इज प्रॉपरली यूज फॉर स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स? यूनिक्स, विंडोज 7, लिनक्स, एंड्रॉयड। तो उसने कहा क्या क्या प्रॉपरली यूज, तो इनमें से कौन सा यूज होता है? एंड्रॉयड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर दैट द क्रिटिकल टास्क आर कंप्लीटेड ऑन अ टाइम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्रिटिकल टास्क के लिए यूज होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। जैसे जब मिसाइल्स लॉन्च होती है तो किसका यूज होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि वहां पर माइक्रो सेकेंड्स का भी वैल्यू होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स? फोल्डर, होल्डर, डॉक्यूमेंट्स और नन ऑफ दीज। होल्डर तो होता ही नहीं है फोर्स में, कंप्यूटर में, तो क्या? दैट इज फोल्डर। फोल्डर क्या? इट इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन अलाउ अस टू डिलीट अ फाइल परमानेंटली? यानी कि वो फाइल कहाँ नहीं जाएगी? आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस सॉरी शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस की। तो शिफ्ट प्लस डिलीट यानी बी ऑप्शन। आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट। यू कैन फाइंड अ डिलीटेड फाइल इन अ रिसाइकल बिन। यस, आप जो डिलीट फाइल करते हो रिसाइकल बिन में होगी, उसकी बात नहीं कर रहा है कि जो परमानेंटली डिलीट करी है, जो पिछला क्वेश्चन था अभी। You can restore any file in a recycle bin if you ever need it. Yeah, sure, आप उसे restore कर सकते हो उसी place पे जिस place से आपने वो delete की है। Next, you can increase the free space of a disk by sending a file in a recycle bin. नहीं, suppose आपने अगर C drive से कोई delete की है, क्योंकि जो recycle bin होता है वो भी आपके R disk का space ही reserve करता है, यानी कि use करता है। Next दिया उसने फिर, you can right click and choose empty recycle bin to clean it at once. यानी कि आप उसमें राइट क्लिक करके एम्प्टी ऑप्शन चूज करोगे तो जितनी भी फाइल्स उसके अंदर वो क्या हो जाएंगी? डिलीट हो जाएंगी। तो इसका ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल टू शट डाउन योर कंप्यूटर? इनमें से कौन सी जरूरत नहीं है जिससे आप अपना कंप्यूटर शट डाउन करते हो? पहला, सेव ऑल ओपन फाइल। या जरूरी है आपको बंद करना, नहीं तो आप क्या होगा, आप काम कर रहे हो, जैसे इसे बंद करोगे तो क्या हो जाएंगे? सारा कंटेंट डिलीट हो जाएगा। क्लोज ऑल रनिंग एप्लीकेशंस। यस, कुछ एप्लीकेशन अगर रन नहीं करोगे तो क्या हो जाएंगी? डैमेज, करप्टेड। स्विच ऑफ मॉनिटर। हाँ, अगर आप मॉनिटर को स्विच ऑफ करोगे तो सीपीयू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो चलता रहेगा फिर भी बैकग्राउंड में। कट ऑफ द पावर सप्लाई। यस, ये आपको पावर सप्लाई कट ऑफ करनी हो तो सी, स्विच ऑफ मॉनिटर इज नॉट असेंशियल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम? देखो उसने क्या कहा, पीछे मल्टीटास्किंग का यूज किया था, यहाँ पे मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम का यूज कर लिया, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो उसके लिए आंसर वहां पे क्या था? डोज। तो यहां भी आंसर क्या होगा? डोज, जबकि उसने ऑप्शन और भी दिए, लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, लिनक्स, यूनिक्स, लिनक्स, ओरेकल और विंडोज। ओरेकल, ओरेकल का एक डाटाबेस है जो किसमें यूज होता है? डीबीएमएस में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, लिनक्स इज एन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, मैक। जो लिनक्स है आपका वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि आप उसमें अगर आपको नॉलेज है तो आप उसे चेंजेस कर सकते हो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर मेंटेनेंस एक्टिविटी? इनमें से कौन सी कंप्यूटर के मेंटेनेंस की एक्टिविटी नहीं है? टेक रेगुलर बैकअप ऑफ डाटा, कीप फूड आइटम्स ऑन द कंप्यूटर टेबल, केबल एंड द कोड शुड नॉट बी मैस्ड अप, ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली। तो कौन सा नहीं है? सेकेंड, कीप फूड आइटम्स ऑन द कंप्यूटर टेबल।